क्या सितम है कि मददगार समझ लेते हैं, सब तुम्हें मेरा तरफदार समझ लेते हैं। हमने पाजेब में लिपटी हुई आहें भी सुनी, आप झनकार को झनकार समझ लेते हैं। क्या हिमाकत है कि हम सादा तबीयत वाले, क्या हिमाकत है कि हम सादा तबीयत वाले खामोशी को भी तेरी इनकार समझ लेते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए बात करते हैं, जो सिलसिला चल रहा था उसी के आगे। ये वीडियो थर्ड है और इसमें बात करेंगे वही वन लाइन सवाल और उसी में जवाब भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो आइए जानते हैं कुछ ख़ास सवालों के बारे में, कुछ ऐसे सवाल जो याद नहीं रहते हैं जल्दी से, और इन्हीं से मतलब सवालात एग्ज़ाम में बनते हैं। तो ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वालों के लिए बहुत ही अहम सिलसिला चल रहा है, और इसी के साथ साथ में जो दिल्ली टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत ही ये मुफीद वीडियो होने वाली है। तो आइए जानते हैं गयास अहमद गद्दी का पहला अफसाना ज्वार भाटा है, और ये उनका एक अफसानवी मजमुआ था बाबा लोग। बाबा लोग जो है एक अफसानवी मजमुआ है गयास अहमद गद्दी का, और इसी में शामिल इनका पहला अफसाना ज्वार भाटा है। और इनका जो अफसानवी मजमुआ बाबा लोग है ये 1969 में शाया हुआ था, और इस अफसानवी मजमुआ में 9 अफसाने शामिल हैं। इतनी बात आपको गयास अहमद गद्दी से मतलब जानना ज़रूरी है। 1969 ये वही सन है जिसमें फिराक गोरखपुरी को सबसे पहले उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल हुआ था। इसके बाद में इकबाल मजीद का पहला अफसाना अद्दू चाचा है, और अद्दू चाचा के उनवान से शाया हुआ था, और ये 1956 में शाया हुआ था। आप जानते हैं हाली ने हयात जावेद 1901 में लिखी है, हयात जावेद यादगार गालिब, ये दोनों के सन आपको याद रखना है। ये सवानही किताब है, हयात जावेद में इन्होंने सर सैयद अहमद की हयात को वज़ा किया है, और यादगार गालिब में गालिब के हालात और उनकी शायरी का बयान किया गया है। 1897 यादगार गालिब शाया हुई, अमूमन लोग इसको बाद में लगा देते हैं, और जो हयात जावेद है ये 1901 में शाया हुई। और निशात उम्मीद बरखा रुत, ये दो मसनवी के अंदाज़ में लिखी हुई तवील नज़्म है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की, जो इन्होंने 1874 में लिखी थी। इतनी बात याद रखने के बाद में शिबली नौमानी जो हैं उन्होंने एक किताब लिखी थी अल फारूक जो है वो उन्होंने 1898 में ये किताब लिखी थी, और ये किताब दो हिस्सों पर मुश्तमिल किताब है। दूसरी चीज़, 1898 में ही सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल भी हुआ है, ये भी बात आपको याद रखनी है। आप जानते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में, ख्वाजा हसन निज़ामी की खुद नविश्त बहुत बार पूछी गई है, इसको आप याद रखें। आप बीती एक खुद नविश्त है, और आप बीती के नाम से खुद नविश्त इन्होंने लिखी थी क्या कहते हैं हसन निज़ामी साहब ने, और साथ ही साथ में हमीद अमजद शुजात की भी लिखी हुई खुद नविश्त का नाम आप बीती है। इतनी बात आपको याद रखना है कि आप बीती दो खुद नविश्त हैं, एक ख्वाजा हसन निज़ामी की भी है और हकीम अमजद शुजात की भी लिखी हुई खुद नविश्त का नाम जो है वो आप बीती ही है। अब आइए अख्तरुल ईमान के बारे में जानते हैं। अख्तरुल ईमान जो थे वो पहले तखल्लुस इस्तेमाल जो किया करते थे वो अंजुम था, अंजुम ये तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, और 1996 में इनकी खुद नबिश्त शाया हुई है इस आवाद ख़राबे में। इस आवाद ख़राबे में इनकी लिखी हुई खुद नबिश्त है अख्तरुल ईमान की, और इनका तखल्लुस आपको याद रखना है अंजुम है, और ये खुद नबिश्त जो है वो 15 बाब पर शाया हुई थी। और इस खुद नबिश्त का जो क्या मुकदमा था
वो इनकी बेगम जो थी सुल्ताना, उन्होंने लिखा है। ये बात भी याद रखना है, इसका मुकदमा किसने लिखा है, इनकी बेगम है सुल्ताना, उन्होंने लिखा है, और ये दूसरी बीवी हैं अख्तरुल ईमान की। इसके बाद आगे जानते हैं आल अहमद सुरूर। बहुत ही कम जानते होंगे ये लोग कि आल अहमद सुरूर जो हैं वो नक्काद हैं, लेकिन आल अहमद सुरूर जो थे वो शायरी भी किया करते थे। इसीलिए ये पहले अरशद अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते थे आल अहमद सुरूर, और अरशद तखल्लुस इस्तेमाल कर किया करते थे रशीद अहमद सिद्दीकी ने आल अहमद सुरूर के साथ में मिलकर सोहेल रिसाला मुरतब किया था। इसके बाद में ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने रेडियाई तकरीर जो की थी उसका मजमुआ शाया किया था तनकीदी इशारे के नाम से, ये भी आपको याद रखना है। आल अहमद सुरूर की खुदनबिश्त ख्वाब बाकी हैं, यहाँ पे ख्वाब बाकी है लिखा हुआ है, शायद ख्वाब बाकी हैं, इनकी खुद नबिश्त है आल अहमद सुरूर की, और ये 1991 में इन्होंने लिखी थी। 1991 में आल अहमद सुरूर की लिखी हुई खुद नबिश्त है, और अख्तरुल ईमान की 1996। इसके बाद में अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं उनका नाम, आपको असल नाम उनका जो है वो याद रखना है, वो कई बार पूछा गया है, मोहिनुद्दीन उनका असल नाम है, और इनका तारीखी नाम जो था वो फिरोज़ वक्त था, ये भी नाम आपको याद रखना है, फिरोज़ वक्त इनका तारीखी नाम है। किसका? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का। और ये वही हैं जो पहले भारत के, हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं, और 11 नवंबर को इनकी योम पैदाइश का दिन मनाया जाता है, एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे जो मनाया जाता है वो अबुल कलाम आज़ाद की योम पैदाइश के दिन पे मनाया जाता है 11 नवंबर को, और 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल के योम पैदाइश पे उर्दू डे मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना, ये बहुत नई कॉमन बात है। इसके बाद में याद रखना आज़ाद वक्त जो है मसनवी सहरुल बयान के जो बादशाह है उसका भी नाम आज़ाद वक्त ही है। आज़ाद वक्त यहाँ पे वक्त ये गलत लिख दिया है, इसको सही कर लीजिएगा। इसके बाद में अबुल कलाम आज़ाद ने इराक का सफ़र किया था, और ये इराक का सफ़र इन्होंने 1905 में किया था, ये बात भी आपको याद रखना है। और याद रखना जो इन्होंने असीरी के आलम में जो ख़त लिखे थे उनको बाद में मरतब करके शाया किया गया था गुबारे खातिर के नाम से, तो गुबारे खातिर को किसने मरतब किया है ये नाम याद रखना, मालिक राम ने, मालिक राम का आपको नाम याद रखना है। अबुल कलाम आज़ाद ने अपने मकतूब ए आलिया यानी खतूत जो उन्होंने लिखे हैं, ख़त जो लिखे हैं किसके नाम लिखे हैं, वो शख्स जो है हबीबुर रहमान खान शेरवानी का नाम है, और इनका नाम भी आपको याद रखना है हर हाल में। ये वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो आपको याद ही हर हाल में रखने हैं, ये अगर आपको याद हैं तो इनके आसपास के जो हादसात हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, वो भी आपको याद रहेंगी। इसके आगे देखते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद ने हिकायते जागो बुलबुल का जिक्र जो है वो 18 नंबर ख़त में किया है, और 19 नंबर जो ख़त है उसको हर हाल में याद रखना, चिड़ा और चिड्डे का जिक्र जो है, चिड़ा चिड़िए का जिक्र इन्होंने जो कहानी बयान की है उसका जिक्र किया है 19 नंबर ख़त में, और याद रखना 15 नंबर ख़त में इन्होंने अपने चाय के जो शौक़ था उसका बयान किया है। कुल मिलाकर इसमें 24 ख़त हैं गुबारे खातिर में, और 700 अशार हैं, और सबसे ज़्यादा अशार इन्होंने गालिब के अशार को दर्ज किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब अगले वीडियो में जब बात करेंगे तो इसी के आगे जो सवाल आते, ये सवाल वो हैं जो मैंने अपनी तैयारी के दरमियान नोट्स बनाए हुए थे, मैं उन पे बात करता हूँ। अगर इनमें कुछ आपको लगता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है या मिस्टेक है तो आप अगर रहनुमाई करेंगे कमेंट करके तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि कमेंट करने को वैसे मैं नहीं कहता, अगर मेरी खामी हो तो ज़रूर कमेंट करें, वरना सब्सक्राइब लाइक शेयर इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।